बीजीय विधियां। पहला, प्रतिस्थापन विधि। हमने दो चरों के रैखिक समीकरणों का हल आलेखों की सहायता से प्राप्त करना सीख लिया। अब हम दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने के कुछ और तरीकों पर चर्चा करेंगे। एक तरीका तो ये है जिसमें हम एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर उसे एक चर के रैखिक समीकरण में बदल लेते हैं और फिर उसका हल प्राप्त करते हैं। आगे के उदाहरण में इसे देख सकते हैं। उदाहरण 9। एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं, जिनके कुल 35 सिर तथा 98 पैर हैं। तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना खरगोशों की संख्या बराबर x तथा पक्षियों की संख्या बराबर y। खरगोशों के सिरों की संख्या धन पक्षियों के सिरों की संख्या बराबर 35। इसीलिए x धन y बराबर 35। ये हमारा समीकरण एक है। खरगोशों के पैरों की संख्या धन पक्षियों के पैरों की संख्या बराबर 98। इसीलिए 4x धन 2y बराबर 98। दो उभयनिष्ठ लेने पर कोष्टक में 2x धन y बराबर 98 या 2x धन y बराबर 98/2 या 2x धन y बराबर 49 या y बराबर 49 ऋण 2x। ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 में y बराबर 49 ऋण 2x रखने पर हमें प्राप्त होगा, समीकरण 1 में x के स्थान पर हम x रखेंगे धन y के स्थान पर हम 49 ऋण 2x रखेंगे बराबर 35। हमारा समीकरण 1 था x धन y बराबर 35। समीकरण 1 से x धन y बराबर 35, x के स्थान पर x धन y का मान हम समीकरण 2 से y का मान रखेंगे 49 ऋण 2x बराबर 35 या x ऋण 2x बराबर ऋण x बराबर 35। धन 49 का पक्षांतर करने पर ऋण 49 या ऋण x बराबर ऋण 14 या x का मान हमें प्राप्त होता है 14। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान 14 रखने पर y बराबर 49 ऋण 2x या y बराबर 49 ऋण 2 x का मान 14 रखेंगे हम बराबर 49 ऋण 28, तो y का मान हमको प्राप्त होगा 21। तो स्पष्टता खरगोश की संख्या 14, x का मान 14 है तो खरगोश की संख्या 14 और पक्षियों की संख्या y है तो y का मान 21 आया है, तो पक्षियों की संख्या 21 है। यह इस प्रश्न का हल होगा।